हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। हम डिस्कस कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज है, लास्ट 22-25 इयर्स के। इस सीरीज़ में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेडाइवल, मॉडर्न, मेडाइवल, मॉडर्न, एंशियंट, सो कंप्लीट हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट फर्स्ट, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अब तक इनको नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके और चेक कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। अभी हम जियोग्राफी का पार्ट टू, ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट कवर हो चुका है, पार्ट टू हम आज डिस्कस कर रहे हैं। इन सभी के पीडीएफ भी आपको नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस टेक, करंट अफेयर्स या जनरल अवेयर्स के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो इस सीरीज में आगे मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लेट्स बिगिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व? सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। नल्लामला इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व। इट इज ए हिल ऑफ ईस्टर्न घाट्स विच स्ट्रेचेज ओवर कर्नूल, गुंटूर, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। सो बी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंडियन सिटीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नॉर्मल एनुअल रेनफॉल्स? डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो नॉर्मल एनुअल रेनफॉल इन कोच्चि इज अराउंड 3,228 mm, कोलकाता 1,582 mm, पटना 1,000 to 1,200 mm, दिल्ली अप्रोक्सीमेट 700 mm। सो द करेक्ट आंसर विल बी, द क्वेश्चन इज आस्किंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, सो मैक्सिमम इन केरला कोच्चि, देन कोलकाता, देन पटना एंड दिल्ली। सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बॉर्डर उत्तर प्रदेश? देखिए, अगर आप सी एस पी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स की भी या मेंस की किसी भी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको मैप जरूरी है आना। आप जब भी किसी भी न्यूज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको मैप में ट्रेस कीजिए। स्पेशली ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप एटलस लेके बैठिए साथ में और उसी टाइम उस डाउट को क्लियर कीजिए। आपको मैप अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश का अगर आपको मैप आता है, इंडिया का मैप आता है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश इज बाउंडेड बाय हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान इन वेस्ट साइड, मध्य प्रदेश इन द साउथ एंड बिहार इन द ईस्टर्न साइड। द नदर्न बाउंड्री इज विथ नेपाल ऑल्सो। सो द करेक्ट आंसर विल बी दिस वन, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। पंजाब इज नॉट बॉर्डरिंग विथ उत्तर प्रदेश। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड, दीज आर द पावर स्टेशंस एंड द लिस्ट इज स्टेट। कोथागुडेम, रायचूर, मेट्टूर एंड वनकबोरी। सो द एसोसिएट स्टेट विथ कोथागुडम इन आंध्र प्रदेश, रायचूर कर्नाटका, मेट्टूर इन तमिलनाडु एंड वनकबोरी इन गुजरात। सो द करेक्ट आंसर इज दिस सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन द नल्लामलाई रेंज,
Pathrak Dau hydroelectric project is proposed to be built near the Silent Valley National Park. The Kunthi River originates in Silent Valley rainforests. So which of the statements above are correct? Question is asking about correct one. So Silent Valley National Park is situated in Nilgiri Hill of Western Ghat. The park is bound by Attapady Reserve Forest to the east and Vested Forest of Palaghat Division and Nilambar Division to the southwest respectively. That's why the correct answer will be this one. First one is incorrect. Match the list first with list second. National Park or Wildlife Sanctuary and the states. Bondla Wildlife Sanctuary is in Goa. Kanger Ghat National Park is in Chhattisgarh. Orang Sanctuary in Assam and Uskothi Wildlife Sanctuary in Odisha. That's why the correct answer is this one. Second one is the correct answer. Consider the following sites, monuments. Champaner Pavagadh Archaeological Park, Chhatrapati Shivaji Railway Station, Mumbai, Mallapuram, Sun Temple, Konark Temple. Which of the above are included in the World Heritage List of UNESCO? UNESCO. So all these are included in the World Heritage List of UNESCO. देखिए मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ और बतानी हम ये प्रूफ के साथ देख भी रहे हैं कि आपको ज़्यादा फोकस न्यू एनसीईआरटी पे करना है. पहले ओल्ड एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, अभी जो ट्रेंड है उसमें 2015 के बाद से न्यू एनसीईआरटी के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको न्यू एनसीईआरटी फोकस करना है ज़्यादा बजाय ओल्ड एनसीईआरटी के. Consider the following statements concerning the Indian Railways. The headquarters of the Northwestern Railway are located in at Jodhpur. And question is asking correct one. So this one is incorrect. Indrail Pass, a travel as you please ticket, has been created especially for freedom fighters and sportsmen who have represented India in NA Games sports. Fairy Queen is a train using the world's oldest working engine and the Indian Railway conducts a journey of wildlife and heritage sites on it. This Fairy Queen train. So the Fairy Queen locomotive used by the Steam Express around 1854 when it was commissioned by the East Indian Railway Company and labeled East Indian Railway 22 class. The Fairy Queen was listed in a Guinness Book World Record also because this Fairy Queen is the world's oldest steam locomotive in regular operation in 1998. The Indian government formally recognized this locomotive heritage status in 1972. That's why third one is the correct answer. First and second are incorrect. Consider the following statement. Sikkim has the minimum area along the 28 Indian states, Delhi and Pondicherry not included. देखिए उस टाइम के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं हम क्वेश्चन, अभी के अकॉर्डिंग नहीं. चंडीगढ़ हैज द हाइएस्ट लिटरेसी रेट अमंग पॉन्डिचेरी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेली एंड द अदर यूनियन टेरिटरीज. महाराष्ट्र हैज द हाइएस्ट पॉपुलेशन आफ्टर उत्तर प्रदेश अमंग द इंडियन स्टेट्स. And question is asking correct one. So correct one is this one is the correct answer. Because Maharashtra is ranked second after Uttar Pradesh among Indian states. So option third is correct. But option first and second are incorrect because Goa is the smallest state based on area, not the Sikkim. And highest literacy rate is of Union Territory is Lakshadweep.
मैच द लिस्ट ऑफ सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स विद द कंसर्निंग स्टेट. मौन, मौन इज एसोसिएटेड विथ नागालैंड. नालबारी, नालबारी इज एसोसिएटेड विथ आसाम. नाइस घाट, दिस वन इज एसोसिएटेड विथ अरुणाचल प्रदेश. एंड तुरा, तुरा इज एसोसिएटेड विथ मेघालय. Consider the following statements. Petronet LNG Limited is setting up another LNG terminal at Mangalore. The head office of the Dredging Corporation of India is at Visakhapatnam. The Narvapar mine is operated by the Uranium Corporation of India Limited. And the question is asking correct one. So this one is incorrect. Because Petronet LNG Limited, one of the fastest growing world class companies in the Indian energy sector, and this has been set up the country's first LNG receiving and regasification terminal at Dahej, Gujarat, and another terminal at Kochi, Kerala, not in Mangalore. So this one is in Gujarat, first one. Consider the following statements. Appellate Tribunal for Electricity has been established by each state government in India. One of the component of the Accelerated Power Development and Reform Program is upgradation of sub-transmission and distribution system for electricity in India. So the correct question is asking correct one. So first statement is incorrect and second is correct one. Match list with list two valleys with concerning states. Markha Valley. Markha Valley is in Jammu and Kashmir. Jhukao Valley in Nagaland. Sangla Valley in Himachal Pradesh. Yamthang Valley in Sikkim. थर्ड, फोर्थ, सेकेंड एंड फर्स्ट, डी इज द राइट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. क्वेश्चन इज आस्किंग इनकरेक्ट. महानदी रिवर राइजेज इन छत्तीसगढ़. गोदावरी रिवर राइजेज इन महाराष्ट्र. कावेरी रिवर राइजेज इन आंध्र प्रदेश. ताप्ती रिवर इन मध्य प्रदेश. सो विच वन इज इनकरेक्ट. सी, थर्ड वन इज इनकरेक्ट बिकॉज दिस वन. बिकॉज कावेरी इज ए रिवर ऑफ सदर्न इंडिया, राइजेज ऑन ब्रह्मगिरी हिल्स इन वेस्टर्न घाट. एंड the exactly it is in Coorg district of Karnataka, not Andhra Pradesh. This one is in Karnataka. Match the list first with list second. These are the name of some national park and with the nearby town. So first one, चंद्रप्रभा. चंद्रप्रभा इज नियर बाय टाउन इज वाराणसी. करेरा नियर बाय टाउन इज झांसी. जयसमंद. जयसमंद इज नियर उदयपुर इन राजस्थान. नाहरगढ़. नाहरगढ़ इज इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. सो द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड वन. आप इनके नोट्स जरूर बनाइए, और मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं. कीवर्ड बेसिस पे नोट्स बनाने हैं, कीवर्ड बेसिस पे नोट्स बनाने हैं. आपको ज़्यादा डिटेल में नोट्स नहीं बनाने हैं. कीवर्ड बेसिस का मतलब ये है कि आपने लिख लिया चंद्रप्रभा एंड आगे लिख लिया वाराणसी, इस तरीके से. आपको ज़्यादा लिखना नहीं है डिटेल में, क्योंकि आप रिविज़न करोगे तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा. फ्रॉम नॉर्थ टुवार्ड साउथ. नॉर्थ टुवार्ड साउथ.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन रिवर्स इन इंडिया, नॉर्थ टू साउथ करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा ऊपर से नीचे. सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर, शोक देन जस्कर देन स्पीति एंड सतलज. बिकॉज शोक रिवर कहाँ पे है, शोक रिवर फ्लोज इन द नदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख, एंड देन स्पीति रिवर इट इज सिचुएटेड इन काजा इन हिमाचल प्रदेश, एंड सतलज रिवर राइज फ्रॉम स्लोप ऑफ द कैलाश एंड फ्लोज इन साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन टू हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब. दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैव लार्ज रिजर्व्स ऑफ डायमंड बियरिंग किम्बरलाइट बीन डिस्कवर्ड इन द रिसेंट पास्ट ये 2007 में बात कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन. दिस वन इज द राइट आंसर. प्याली एंड बैरादीन इन रायपुर छत्तीसगढ़ हैज लार्ज रिजर्व ऑफ डायमंड बियरिंग किम्बरलाइट. इट हैज अराउंड 28% ऑफ द टोटल डायमंड रिजर्व ऑफ इंडिया. इट इज इन छत्तीसगढ़. With reference to the steel industry in India in the recent times, consider the following statements. Question is asking about correct and recent trends. Steel industry. Vizag steel plant has been declared as Mini Ratna. Merger of IISCO with SAIL has been completed. So Vizag steel plant was declared as a Mini Ratna company in 2006. First statement is correct one, and the merger of IISCO with SAIL has been completed in 2004. So both these statements are correct. The Stillwell Road built in 1940s, which was recently in news, connects which of the following? This road. Question is talking about Stillwell Road, which was built in 1940s. The Stillwell road built in 1940s by Americans to connect Ledo in India and Kunming in China via Myanmar during Second World War के time Americans ने बनाया था ये Ledo India से China को via Myanmar connect करने के लिए. So the correct answer is this one. Which one of the following is also known as top slip? Indira Gandhi Wildlife Sanctuary and National Park is known as top slip. It is part of Western Ghat and it is located in Annamalai mountain ranges. This one is the correct answer. Where are Shevroy Hills located? Shevroy Hill is situated near Salem of Tamil Nadu. River Kali Nadi is an east flowing river in the southern part of India. And the reason is the Deccan Plateau is higher along its western edge and gently slopes towards the Bay of Bengal in the east. देखिए जो बात कर रहे हैं river काली नदी, it is a west flowing river in the southern part of India. So this assertion is incorrect. It is not in east flowing river. It is a west flowing river. And Deccan Plateau has elevation around range of 1500 to 2500 feet and gently slopes towards the Bay of Bengal in the east. So the reason is correct. This one. Which one of the following national highway passes through Maharashtra, Chhattisgarh and Odisha? Maharashtra, Chhattisgarh and Odisha.
and the correct answer is this one, NH6. Consider the following statements. Balaghat is known for its diamond mines. Mazgaon is known for its manganese deposits. And question is asking which is correct one. So Balaghat of Madhya Pradesh is known for its manganese mines, and Mazgaon, this one is famous for diamond. ये दोनों को रिवर्स कर दिया है, दोनों ही गलत हैं. Which one of the following rivers originate in Amarkantak? Amarkantak plateau कहाँ पे है? It is in MP, मध्य प्रदेश. And this river is, which river originates from Amarkantak? Narmada river originates from around 1000 meter height west of Amarkantak plateau in Madhya Pradesh. And this river, the river Damodar originates from Chota Nagpur plateau. Mahanadi originates from Bastar plateau, and Tapti originates from Satpuda hills. Hope you got it. Damodar originates from Chota Nagpur plateau. Mahanadi originates from Bastar plateau, and Tapi originates from Satpuda hills. Which one among the following major Indian cities is most eastward located? So the correct answer is Lucknow. आप इंडिया का मैप जरूर याद करना, इस तरीके के क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे. आउट ऑफ द फोर सदर्न स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, विच शेयर्स बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स? दिस वन इज द करेक्ट आंसर. ईच ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, बोथ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका शेयर्स बाउंड्रीज विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स. नेक्स्ट वन, मैच दिस विद दिस. एल्यूमिनियम कंपनी एंड लिस्ट सेकेंड लोकेशन. बालको इन कोबरा, हिंडालको इन रेनुकूट, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी इन हीराकूट, नालको इन कोरापुट. सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द बस्तर रीजन? देखिए, इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द बस्तर रीजन. दिस वन, नेक्स्ट वन, इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड? गुरु शिखर पीक इज लोकेटेड इन राजस्थान. टाउन एंड रिवर नियर टू इट, बेतल ताप्ती, जगदलपुर,
इंद्रावती, जबलपुर नर्मदा, उज्जैन सिप्रा. उज्जैन इज नियर टू सिप्रा रिवर. सो द करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड वन. दिस वन इज द करेक्ट आंसर. Consider the following statements. In India, red panda is naturally founded in the western Himalayas only. In India, slow lorries lives in the dense forests of the northeast. Which statement is correct one? So, the correct statement is this one. This one is the correct statement. Second one. Red panda is found in the mountains of Nepal, northern eastern India, China, Bhutan. Okay. Which one among the following states of India has the lowest density of population? ये क्वेश्चन है जो 2007 में UPSC prelims में आया है. इसका इट मीन्स ये 2001 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा. 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग नहीं. दिस वन इज द करेक्ट आंसर. As per India's National Population Policy 2000, by which one of the following years is it our long-term objective to achieve population stabilization? So, as per India's National Population Policy 2000, by 2045, India will achieve population stability, which means that the size of population will not go up. Third one is the right answer. What is the approximate percentage of persons above 65 years of age in India's current population? So, as per the 2001 census, this one is the right answer. Amongst the following states, which one has the highest percentage of rural population? देखिए, अगर जो पॉपुलेशन को पढ़ के गया है तो 2008 में आप देखिए कितने सारे क्वेश्चंस पॉपुलेशन बेस्ड आए हैं. एक ऊपर भी जा चुके हैं और 11 के पॉपुलेशन बेस्ड भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है. तो पॉपुलेशन को आपको थोड़ा सा, लेकिन अभी जो फ़िलहाल UPSC में क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं वो पॉपुलेशन में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं और अदर ट्राइब्स हैं, उनसे रिलेटेड या ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं. अमंग्स द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस दिस. सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज़ द मिनिमम पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ऑफ सेंसस दिस. This one is the Sikkim is the correct answer. Which one of the following is not essentially a species of the Himalayan vegetation? Mahogany is a species of tree found throughout the Caribbean, Central and South America, but not in Himalaya. So B is the correct answer.
out of all the biosphere reserves in India, 4 have been recognized on the world network by UNESCO. Which one of the following is not one of them? जो 4 है उनमें कौन सा नहीं है? देखिए, ये जो कंचनजंगा है ये तो अभी हुआ है 2018 में. कंचनजंगा हुआ है 2018 में. सो बी इज द राइट आंसर. With which one of the following rivers is the Omkareshwar project associated? इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन अब कम आते हैं यूपीएससी में. अभी जो रिवर्स के क्वेश्चन आते हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती है, और वो भी स्पेशली कंसिस्टेंटली पूछा जाता है. तो नॉर्थ ईस्ट की जो रिवर्स है एसोसिएटेड विथ ब्रह्मपुत्र, बराक एट्सेट्रा, तो उनसे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं. ट्रिब्यूटरीज आप ज़रूर पढ़ना, या फिर जो सदर्न रीजन है, ये सदर्न इंडिया है, उधर के ज़्यादा आते हैं. पहले गंगा नर्मदा इन पे क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते इतने क्वेश्चन. ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ नर्मदा रिवर. इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स शेयर द कोस्ट लाइन? 9 स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ए कोस्ट लाइन, एंड द 9 स्टेट्स आर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल. दिस वन गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, देन केरला, देन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल. सो करेक्ट आंसर इज 9 स्टेट. Which of the following hills are found where the Eastern Ghat and Western Ghat meet? ये अभी इस तरीके क्वेश्चन SSC वगैरह या जो स्टेट PSC एग्जाम्स हैं उनमें ज़्यादा पूछे जाते हैं. अगर आप स्टेट PSC की भी कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो इस तरीके क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए. एंड द करेक्ट आंसर इज नीलगिरी हिल्स आर एट द जंक्शन ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स ऑफ सह्याद्री हिल्स. ट्रिब्यूटरी रिवर एंड मेन रिवर एंड ट्रिब्यूटरी. विच ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड? करेक्ट वन क्वेश्चन पूछ रहा है, तो करेक्ट वन होगा. देखिए ट्रिब्यूटरी जो हम बताएं, मैं बता रहा था अभी आपको नॉर्थ ईस्ट ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं मनाश, इंडिया में बता रहा हूँ, मनाश हैं, पगला दिया है, पुथीमारी है, धनसिरी है, जिया भरीती एंड सुबनसिरी. एंड मनास इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र. चंबल इज द चीफ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना एंड सोन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. सो करेक्ट वन इज दिस वन. मनास इज ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस वन. सोन इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा नॉट यमुना. चंबल इज ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना नॉट नर्मदा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. साल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड में मैं आपको पिछले वीडियोज में बता चुका हूं कि लास्ट 3-4 मंथ्स में बहुत डेवलपमेंट हुए हैं. आपको अंडमान निकोबार जियोग्राफी और पॉलिटिकल मैप और जियोग्राफिकल मैप अच्छे से याद होना चाहिए, और इसके बारे में जो भी करंट ट्रेंड्स रहे, करंट न्यूज़ रही है, वो आप ज़रूर पढ़ना. स्रीव एंड तापिर आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ द मालाबार रीजन. सो बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन.
इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर नामचिक नामफू कोल फील्ड लोकेटेड एंड दिस कोल फील्ड आर लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश. विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स फाउंड इन ए नेचुरल वे इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. बॉक्साइट यस, डोलोमाइट यस, आयरन, टिन. सो ऑल दीज आर नेचुरली फाउंड इन छत्तीसगढ़. ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द टेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स लोकेटेड. द टेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड ऑन द भागीरथी रिवर. ओके, सो करेक्ट आंसर इज भागीरथी. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. दिस वन इज वाटरफॉल एसोसिएटेड विथ विच रिवर. क्वेश्चन इज आस्किंग करेक्ट आंसर. आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है. यूपीएससी करेक्ट इनकरेक्ट में पूछता है, आप हमेशा करेक्ट नहीं मान के चलिए, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है. देखिए शिव समुद्रम फॉल इज लोकेटेड ऑन कावेरी. दिस वन इज करेक्ट आंसर. जोग वाटरफॉल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया एंड इट इज ऑन श्रावस्ती रिवर. श्रावस्ती रिवर, श्रावस्ती रिवर. सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. दिस वन इज इनकरेक्ट. Which of the following pairs are correctly matched? Correctly matched. Irrigation project and state. Daman Ganga irrigation project. Daman Ganga water project is in Gujarat. Girna irrigation project is in Jalgaon area of Maharashtra. And Pamba river is located in Kerala. So the correct answer will be all these are correctly matched. Where are Tapovan and Vishnugad hydroelectric project located? Tapovan and Vishnugad hydroelectric projects are located in Chamoli district of Uttarakhand. अगर आप state PSC preparation कर रहे हैं तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए. Which of the following are among the मिलियन प्लस सिटीज इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ऑफ सेंसस 2001 के अकॉर्डिंग. मिलियन प्लस सिटीज कितने थे? मिलियन प्लस सिटीज थे ये सारे. मिलियन प्लस सिटीज थे. विच वन अमंग द फॉलोइंग एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क. मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क कहाँ हैं? अंडमान एंड निकोबार. अप्रोक्सीमेट 9 to 10 नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे. कंसिडर द फॉलोइंग रीजन्स. ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. विच ऑफ द अबव आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. ईस्टर्न हिमालयाज एंड ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैज हॉट स्पॉट्स. दिस नॉर्थ वेस्टर्न, इट इज नॉट साउथ, द साउथ वेस्ट. सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट इनलाइन सेलाइन वेटलैंड.
राजस्थान हैज द लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वेटलैंड एरिया ऑफ सांबर साल्ट लेक. सो द करेक्ट आंसर विल बी दिस वन. इन इंडिया द पोर्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज मेजर एंड नॉन मेजर पोर्ट्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेजर पोर्ट. दहेज इज नॉट ए मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया. दिस वन. In which one of the following places is the Champen tribe found? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. अगर आपने ज्योग्राफी का जो पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं उसमें देखोगे तो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है और आने वाले एग्जाम्स में भी आ सकता है. और मैं फिर कहूँगा आपको कि अंडमान निकोबार में काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं लास्ट 3-4 मंथ्स में. आप ज़रूर पढ़ना उनको. यूपीएससी में 2021 जो प्रीलिम्स लगने वाला है उसमें क्वेश्चन आएगा. एंड दिस ट्राइब Champen ट्राइब इज वन ऑफ द टू मैंगोलॉयड ट्राइब्स फाउंड इन निकोबार आइलैंड. द दुलस्ती पावर स्टेशन इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स. दुलस्ती पावर प्रोजेक्ट पावर स्टेशन. दिस दुलस्ती पावर स्टेशन इज वन ऑफ द इज ऑन द चेनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इन द वर्ल्ड द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स अकर अलोंग द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स विद इन द ट्रेड विंड बेल्ट. इन इंडिया द ईस्ट हिमालयन रीजन गेट्स हाई रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट विंड्स. In India, actually southwest monsoon causes high rainfall in East Himalayan region. So this statement is incorrect and this is correct one. Question is asking correct one. Consider the following statements. Infant mortality rate takes into account the death of infants within a month after birth. Infant mortality rate is the number of infant deaths in a particular year per 100 live births during that year. Which one statement is correct one? So both these statements are incorrect. Because infant mortality rate indicates the number of infant death under 1 year of age per 1,000 live births under 1 year of age. Consider the following statements. Between census 1951 and census 2001, the density of the population of India has increased more than 3 times. Between census 1951 and census 2001, the annual growth rate of the population of India has doubled. And question is asking correct one. So both these statements are incorrect, not correct. Because the rate of population density increase in India is as density 1951. It was 1951 per square kilometer. In 2001 it is 324 square kilometer per square kilometer. Annual growth rate in population density, it was in 1951 annual growth rate was 1.25% approximately, and in 2001 it is 1.93%, not doubled. So both these statements are incorrect. Which one of the following rivers does not originate in India? This one, Satluj. Satluj originates from the central Suleiman range in Pakistan.
सेंट्रल सुलेमान रेंज इन पाकिस्तान. एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज डू टू इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया ओरिजिनेट. वाइल वन ऑफ देम फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थ एंड मर्ज विथ अनदर इम्पोर्टेंट रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल एंड अदर वन फ्लोज टुवर्ड अरेबियन सी. देखिए अमरकंटक इज द ओरिजिन ऑफ रिवर नर्मदा एंड सोन. वन इज फ्लोइंग टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल एंड अदर इज इन अरेबियन सी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इंडिया डज नॉट हैव एनी डिपॉजिट्स ऑफ थोरियम. केरलाज मोनाजाइट सैंड्स कंटेन यूरेनियम. इंडिया हैज 13% ऑफ थोरियम डिपॉजिट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो द स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज डी. दिस वन consider the following statements. There are no east flowing rivers in Kerala. There are no west flowing rivers in Madhya Pradesh. Three east flowing rivers found in Kerala is Kaveri, Tapti, Narmada and Mahi rivers flows westward and also flows through Madhya Pradesh. So the correct answer is D. 173 correct answer is D. नेक्स्ट वन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द बाउंड्रीज ऑफ ए नेशनल पार्क आर डिफाइंड बाई लेजिस्लेशन. ए बायोस्फीयर रिजर्व इज डिक्लेयर टू कंजर्व ए फ्यू स्पेसिफिक स्पेसीज ऑफ फ्लोरा एंड फूना. In a wildlife sanctuary, limited biotic interferences is permitted. Which of the statement given above are correct? So the correct answer is third one. This one is the correct answer. Following are the characteristics of an area 175. Following are the characteristics of an area in India.
and question is asking crops are you most likely to found area described above. ये जो इस एरिया के बारे में कहा है, hot and humid, annual rainfall is approximate 200 centimeter, hill slopes up to an altitude of 1100 meters, annual temperature is 15 to 30 degree. So the crop will be pepper. With reference to the mineral resources of India, consider the following pairs. Question is asking correctly matched. Copper, Jharkhand, this is incorrect. Nickel, Odisha, correct one. Tungsten, Kerala, incorrect. Odisha has 90% natural resources of nickel. Protected areas and these areas well known for, and question is asking correctly matched. 177 Bhatrakarni ka Odisha saltwater crocodile, this one is correct. Desert National Park Rajasthan, Great Indian Bustard, this one is correct. Aravikulam Kerala, Hulak Gibbon is found in northeastern region of India. It covers 38% of the forest area. Hulak Gibbon is found in northeastern region of India. So the correct answer is B. Third one is incorrect. Next question. 178. देखिए आपको इन जितने भी क्वेश्चन है सबका पीडीएफ मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में, तो आप जाके पीडीएफ डाउनलोड करके और इनको प्रैक्टिस करना. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जब तक आप इनको अच्छे से सॉल्व नहीं कर लो, प्रैक्टिस करते रहिए. और आप बहुत सारे देख रहे हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वो आपको देखना है क्यों नहीं कर रहे हैं. लेकिन अगर आप स्टेट पीएससी और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए. रेगुलर बेसिस पे टेस्ट सीरीज भी करवा रहे हैं और करंट अफेयर्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह के भी आ रहे हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. सो प्लीज़ सब्सक्राइब. 178 इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया. This one is occupy largest area. Because in India, tropical most deciduous forest occupies the largest area, and it includes the Deccan Plateau, the northeastern region of Deccan Plateau, and the lower slope of Himalayas, and it also covers the part of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Karnataka, Kerala. So approximate in India, this tropical most deciduous forest covers 38 to 40% of the total forest area. It covers the region of Bihar, Uttar Pradesh, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Jharkhand, Karnataka, Kerala, etc. So आपको पढ़ना है इसके बारे में एक बार अच्छे से. With reference to the river Luni, which one of the following statement is correct? देखिए, Luni river is originates from Aravalli range and flows in southwest direction through the hills and finally ends up in the marshy land of Rann of Kutch. तो ये राजस्थान से और गुजरात Rann of Kutch तक जाती है, Aravalli range से originate होती है. So
So the correct answer is this one. Rivers that pass through Himachal Pradesh are. Himachal Pradesh से कौन सी rivers pass हो रही है? ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज and यमुना. These rivers passes through Himachal Pradesh. आपको यमुना में confuse नहीं होना है, ये भी हिमाचल प्रदेश से pass होती है. When you travel in certain parts of India, you will notice red soil. What is the main reason for this color? Red soil in India is largely found in Deccan Plateau, and the red soil is less clay and sandier in nature and has a rich content of which? Red soil has a rich content of iron and a small amount of humus. So red soil is also known as yellow soil. The redness is the soil is due to xeric oxide, and it is second largest soil found in India from south of Bundelkhand to north of Rajmahal Hills. ये आप थोड़ा नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है. This one is the correct answer. Ferric oxide. Which one of the following is the appropriate region to considering the Gondwana rock as most important of rock system of India? Because more than 90% of India's coal reserves are found in Gondwana rock system, that's why it is considered as the most important rock system. This one is the correct answer. अगर आप previous year के question भी अच्छे से करते हैं तो आप यकीन मानिए 10-15% paper आप prelims का easily कर लेंगे general studies. Dam, lake with river, and question is asking not correctly matched. इसलिए मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन को जरूर अच्छे से पढ़ना है. This one is asking incorrect. Govind Sagar, Satluj, this one is correct. Kolleru lake is one of the largest shallow freshwater lake in Asia, and this is located between Krishna Delta and the Godavari. Not in Andhra Pradesh. So this one is incorrect. Ukai Reservoir, Tapi, Wooler Lake, Jhelum. If there were no Himalayan ranges, what would have been the most likely geographical impact on India? Indian geography without Himalaya. So much of the country would experience cold wave from Siberia. This one is correct. Indo-Gangetic plain would be devoid of such extensive alluvial soil. This one is also correct. The pattern of monsoon would be different. Of course, this would be different. So all these statements are correct. Himalaya plays a very significant and major role in the geography of India. The latitudes that pass through Sikkim also pass through. The latitude that passes through Sikkim is also passed through Rajasthan. The appropriate representation of land use classification in India is
दिस वन इज द करेक्ट आंसर. बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया द नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन इज आस्किंग करेक्ट वन. डिपनिंग द मलक्का स्ट्रेट बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया. दिस वन इज इन करेक्ट. ओपनिंग ए न्यू कैनाल अक्रॉस द क्राइस्टमस बिटवीन द गल्फ ऑफ सियाम एंड अंडमान सी. दिस वन इज करेक्ट. देखिए ओपनिंग ए न्यू कैनाल इन क्राइस्टमस कैन रिड्यूस द नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस. द फर्स्ट स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स एन एक्सप्लेनेशन. इट्स वर्थ नोट दैट द मलक्का स्ट्रेट इज द मेन शिपिंग चैनल बिटवीन द इंडियन ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन एंड लिंक्स द इंडिया चाइना जापान एंड साउथ कोरिया. द इशू ऑफ डीपनिंग ऑफ द मलक्का स्ट्रेट इज लिंक्ड टू इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रेदर देन टाइम ऑफ नेविगेशन एंड डिस्टेंस. द इशू ऑफ डीपनिंग ऑफ द मलक्का स्ट्रेट इज लिंक्ड टू इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नॉट अबाउट द टाइम ऑफ नेविगेशन एंड डिस्टेंस. सो द इश्यू इज दैट मोस्ट ऑफ द शिप्स कैन नॉट पास थ्रू इट एंड द साइज ऑफ द बिगेस्ट शिप्स विच कैन एंटर थ्रू इट इज कॉल्ड मलक्का मैक्स. नाउ द डीपनिंग ऑफ द स्टेट वुड सर्टेनली हेल्प इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस बिकॉज शिप्स ऑफ लार्ज साइज कैन पास थ्रू इट. There is no significance of distance and navigation. I'm talking about Malacca Strait. It is economic importance, not important of navigation and distance. So the correct answer is second. B is the right answer. The lower Gangetic Plain is characterized by a humid climate with high temperature throughout the year. Which one among the following pairs of crop is most suitable for this region? Paddy and juice. Which one of the following pairs of islands is separated from each other by the 10 degree channel? The 10 degree channel is a channel that separates the Andaman Island from Nicobar Island in the Bay of Bengal. The Brahmaputra, Irrawaddy and Mekong River originates in Tibet and flow through narrow and parallel mountain ranges. In their upper reaches of these rivers, Brahmaputra makes a U-turn in its course to flow into India. This U-turn can due to, देखिए आपको इन रिवर्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है बिकॉज जो गलवान क्लैश हुआ था इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन, तो पहले उन्होंने पानी रोक दिया था रिवर का एंड देन फिर उन्होंने वापस रिलीज किया, पानी रोक दिया बिकॉज वो उनकी कुछ कैजुअलिटीज थी जो उनके डेथ हुई थी, उनको ले जाना चाह रहे थे. तो आपको ये क्वेश्चन यूपीएससी में देखने को मिलेंगे इन रिवर से जो इधर रीजन में हैं, इनको जरूर अच्छे से करना आप इनकी ट्रिब्यूटरीज डैम या यहाँ कोई और इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसको पढ़ना आपको. दिस वन इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स नियर माउंट कैलाश एंड इज नोन टू टेक ए यूटर्न. यूटर्न कहाँ पे ले लेती है ब्रह्मपुत्र कैलाश पर माउंट से निकलने के बाद, नियर माउंट नामचा बरवा, यह आपको ध्यान रखना है. एंड दिस यूटर्न इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट बैंड, इसको ग्रेट बैंड भी बोला जाता है. दिस यूटर्न इज बिकॉज ऑफ द 180 डिग्री बैंड ऑफ द हिमालयन स्ट्रक्चरल ट्रेंड. ये नेचुरल ट्रेंड है ये, इसको ग्रेट बैंड भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ हिमालय स्ट्रक्चरल ट्रेंड. 191. ये स्टेट इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स. इनके बेस पे आपको स्टेट को आइडेंटिफाई करना है इन करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे. इट्स नदर्न पार्ट इज एरिड एंड सेमी एरिड. इट्स सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूसेस कॉटन. कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप इज प्रोमिनेंट प्रीडोमिनेंट ओवर फूड क्रॉप्स. सो कैश क्रॉप कॉटन एंड
इसका जो नदन पार्ट है अरिड एंड सेमी अरिड है, गुजरात इज द राइट आंसर। ये पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लेटिट्यूड विच पासेज थ्रू नदन राजस्थान। देखिए अभी राजस्थान के का और हमने देखा कि सेम लेटिट्यूड पे कौन था, सिक्किम और राजस्थान, लेकिन इस क्वेश्चन में बात हो रही है नदन राजस्थान की, इट मीन्स थोड़ा सा और ऊपर। इट हैज़ ओवर 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, ओवर 12% ऑफ फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट्स प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स इन दिस स्टेट। सो सिक्किम से थोड़ा सा ऊपर की देखेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। विथ रेफरेंस टू द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द कंट्रीज टोटल जियोग्राफिकल एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ वेटलैंड इज रिकॉर्डेड मोर देन मोर इन गुजरात एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। इन इंडिया द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टलैंड वेटलैंड कोस्टल वेटलैंड इज लार्जर देन दैट ऑफ एन इनलैंड वेट वर्ल्ड। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। When you travel in Himalayas, you will see the following: deep gorges, U-turn rivers, parallel mountain range, steep gradient causing landsliding. Which of the above can be said to be the evidences for Himalayas being young fold mountains? Question is asking about young fold mountain. किन में से क्या characteristics होती है? ये सभी जो हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स के एविडेंस होते हैं, दैट्स वाई हिमालय इज ये यंग फोल्ड माउंटेन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून डिक्रीज फ्रॉम साउथ सदर्न इंडिया टू नदर्न इंडिया, द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। Both these statements are correct statements. National park and river flowing through the park: Corbett National Park, Ganga, Kaziranga National Park, Manas, Silent Valley National Park, Kaveri. Question is asking correctly match. देखिए Corbett National Park से गंगा नहीं निकलती है, यहाँ से निकलती है राम गंगा। एंड राम गंगा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क से निकलती है रिवर भवानी, नॉट कावेरी, रिवर भवानी। एंड भवानी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। तो ये सारे ही इनकरेक्ट है, मनास रिवर काजीरंगा से नहीं निकलती। एक्चुअली मनास रिवर नहीं है, मनास एंड काजीरंगा बोथ आर नेशनल पार्क्स। द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट वाइल मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर फ्लोज टू द ईस्ट। वाई नर्मदा इज फ्लोज टू द वेस्ट, लेट्स डिस्कस। बिकॉज इट ऑक्यूपाइज ए लीनियर रिफ्ट वैली, इट फ्लोज बिटवीन द विंध्याज एंड सतपुराज, द लैंड स्लोप टू द वेस्ट from central India, so it flows in linear rift valley, this one is correct, but these are incorrect, because Narmada is the largest west flowing river of the peninsular India, and Narmada flows westward through a rift valley between Vindhyan range on the north and the Satpura range on the south,
which of the following is our characteristics of Indian coal? High ash content, yes. Low sulfur content, yes. Low ash fusion temperature, no. First one is the right answer. A. Which of the following statements regarding laterite soil of India are correct? They are generally red in color, yes. They are rich in nitrogen and potash. Question is asking laterite soil. They are well developed in Rajasthan and UP. Tapioca and cashew nut grow well on these soils, yes. Third one is the correct answer. Laterite soil is a rusty red in color due to iron oxide present in it, and in the laterite soil cashew and these can be grown. Consider the following statements. Natural gas occurs in the Gondwana beds. Mica occurs in abundance in Koderma. Dharwad are famous for petroleum. Which one is correct statement? This one is incorrect. Because Gondwana bed has coal and not natural gas. Consider the following towns of India. Bhadrachalam, Chanderi, Kanchipuram and Karnal. Which of the above are famous for the production of traditional sarees or fabrics? Dekhiye, Chanderi kahan hai? It is in Madhya Pradesh. Kanchipuram ki sarees bahut famous hai Tamil Nadu. So these are famous for sarees fabric. National highway and cities connected with them. Correctly matched. NH4 Chennai and Hyderabad. NH6 Mumbai and Kolkata. NH15 Ahmedabad and Jodhpur. NH4 is a major national highway. It connects Mumbai with Chennai, not Hyderabad. NH6 run through Gujarat, Maharashtra, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand and West Bengal side state in India. These are Mumbai to Kolkata. NH15 is a major national highway in western and northwestern India, and NH15 connects Samakhiali in Gujarat with Pathankot in Punjab. Not Ahmedabad to Jodhpur. But it is Samakhiali in Gujarat to Pathankot in Punjab. So nothing is correctly matched. The seasonal reversal of winds is the typical characteristic of. Actually, monsoon is the only climate which is having reversal of wind between seasons. Monsoon. Consider the following rivers: Barak, Lohit and Subansiri. Which of the above flows through Arunachal Pradesh? Dekhiye, river Lohit and Subansiri flows through Arunachal Pradesh, and river Barak flows in South Assam and Manipur. River Lohit and Subansiri flows through Arunachal Pradesh. Barak river flows in Assam and Manipur. Wetlands with confluence of rivers. Correctly matched. Harikke wetland, confluence of Bias and Satluj. Correct one. Kevla Devgana, confluence of Banas and Chambal. No.
बिकॉज केवलादेव नेशनल पार्क फॉर्मली नोन एज द भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन भरतपुर इज एट द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स गंभीरी एंड बाण गंगा. कोलेरू लेक. कोलेरू इज लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा. अभी हमने इसको किया है थोड़ा टाइम पहले, कुछ क्वेश्चंस पहले डिस्कस. कोलेरू लेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एंड इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. नॉट मूसी एंड कृष्णा, कॉन्फ्लुएंस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. हिल्स एंड रीजन. आस्किंग करेक्टली मैच. कार्डोमम हिल्स, कार्डोम, कोरोमंडल कोस्ट. नो. कायमूर हिल्स, कोंकण कोस्ट. नो. महादेव हिल्स, सेंट्रल इंडिया. यस. मिकी हिल्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया. यस. कार्डोमम हिल्स आर सदर्न हिल ऑफ इंडिया एंड पार्ट ऑफ सदर्न वेस्टर्न घाट्स लोकेटेड इन केरला एंड साउथ वेस्ट तमिलनाडु. महादेव हिल्स आर इन मध्य प्रदेश एंड स्टेट ऑफ सेंट्रल इंडिया. मिकी हिल्स आर इन आसाम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया. If you travel through the Himalayas, you are likely to see which of the following plant naturally grown there. Yes. Sandalwood is not naturally there. Sandalwood found in southern India. With reference to Changpa community of India, consider the following statements. They live mainly in the state of Uttarakhand. No. They rear the Pashmina goat that yield a fine wool. Yes. They are kept in the category of scheduled tribe. Yes. Second and third are correct one. B is the right answer. The Changpa are semi-nomadic Tibetan ethnic group found mainly in Jaskar region of Jammu and Kashmir, not in Uttarakhand. In a particular region in India, the local people train the roots of living trees into robust bridges across the streams. As the time passes, these bridges become stronger. These unique living root bridges are found in Meghalaya. Consider the following statements. Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Mizoram. In which of the above states do tropical wet evergreen forest occurs? So these tropical wet evergreen forest occurs at Arunachal Pradesh and Mizoram, not in Himachal Pradesh. Which one of the following pairs of state of India indicates the easternmost and westernmost state? Arunachal Pradesh and Gujarat are the easternmost and westernmost states. Consider the following rivers. Which of the above are tributaries of Godavari? Godavari ki tributaries kaun si hai? So Indravati and Pranita are tributaries of Godavari. Which one of the following regions of India has a combination of mangrove forest, evergreen forest and deciduous forest? ये आप स्टेट पीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसको कहीं नोट कर लेना.
It is a rich biodiversity, Andaman and Nicobar. Different type of forests are found here. Which of the following has been accorded geographical indication status? Banaras, brocade, saris, yes. Rajasthani dal bati churma, no. Tirupati laddu, yes. This one is the right answer. In which of the following regions of India are shale gas resource found? Shale gas resource are found in, these are found in, actually the research is in under process for presence of shale gas in Cambay Basin at Mehsana, Ahmedabad and Bharuch districts of Gujarat. Kaveri Basin at Nagapattinam in Tamil Nadu and in KG Basin at East and West Godavari districts of Andhra Pradesh. So all these statements are correct. Cambay, Kaveri, Krishna Godavari. At one of the places in India, if you stand one of the seashore and watch the sea, you will find that the sea water recedes from the shoreline a few kilometers and come back to the shore twice a day, and you can actually walk on the sea floor when the water recedes. This unique phenomena is seen at Odisha government ka jo web page hai tourism ka, that says Chandipur beach has a unique distinction on its own. Which one of the following is an artificial lake? This one is artificial lake. Among the following cities, which one lies on a longitude closest to that of Delhi? Bangalore. Because which one of the following national park lies completely in the temperate alpine zone? Valley of Flower National Park. Consider the following pairs: famous place and river. This one is the correct answer. Consider the following states. Ascending order. Forest cover, total area of state का कितना percent है, इसको ascending order में दिखाना है. So this one is the correct answer. Which is common to the places known as Aliyar, Isapur and Kangshabatti? These are water reservoirs. This one is the correct answer. This one is the correct answer. Major minerals की बात हो रही है, so this one is the correct. 226, this one is the, all these statements are correct one. So ये ज्योग्राफी के 1995 टू 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम कवर कर चुके हैं. इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड आप इनको बार बार रीड कीजिए, और जब तक इनको पढ़िए जब तक आपको याद नहीं हो जाता है. रीड 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 एंड रिमेंबर, बिकॉज आप कितना पढ़ते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको कितना याद हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. All the very best. Good luck. Thank you.